Then we cut to Union Minister Kiran Rijiju slamming the Congress in a fresh jibe. Kiran Rijiju slamming the Congress's vote bank politics, as he calls it, saying Congress using Muslims for political gains. Congress believes in divide and rule. This is the Congress's agenda, he says, while speaking to the media. Let's hear it. Congress ne Muslimano ko vote bank banaya aur pura desh ke sansadhanon ko, resources ko, Muslim ka pehla adhikar batana. ये मुसलमानों के लिए भी गलत बात है, क्योंकि मुसलमानों को गरीब बनाया किसने? बनाया 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया इस देश को, कई चीजों को हमने उजागर किया और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं गलत फहमियों को दूर करना. और जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं बौद्ध हूँ तो हमारे बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र के अंदर में जितना नव बौद्ध बुद्धिस्ट जितना भी है पहला कैबिनेट मंत्री बना है, तो मेरा दायित्व है कि अपने बौद्ध के लोगों को बताना कि जिस पार्टी ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को ह्यूमिलेट किया, अंबेडकर को हराया और अंबेडकर के लेगेसी को खत्म करने के लिए कोशिश किया, उसको हम जवाब देंगे.